हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हो ये एक बहुत ही स्पेशल, ब्यूटीफुल और बहुत ही टैलेंटेड जो वुमेन है उनकी ये स्टोरी है, उन्हीं के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है? जिनका नाम है, आप देख सकते हो, रुक्मिणी देवी, ठीक है? तो रुक्मिणी देवी जी जो हैं वो एक कला के क्षेत्र में इनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है? सो गाइज, हम ये जो कोर्स कर रहे हैं, यानी कि हमारा ये जो ब्लॉग है, इसमें हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में टॉपिक को कवर किया था वो था हमारा एंटरटेनमेंट, कल्चर एंड एंटरटेनमेंट, ओके? सो कल्चर और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हम बहुत सारी जानकारी इस ब्लॉग में कलेक्ट करेंगे। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो लेडी हैं, बहुत ही फेमस है इंडिया की, जो कि रुक्मिणी देवी, इनकी जो पूरी लाइफ है ना वो पूरी आर्ट पे ही बीतती, ठीक है? ये आर्ट से, यानी कि ये डांस से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है? तो इनकी लाइफ के बारे में, इनके अचीवमेंट के बारे में और इन्होंने इंडिया को क्या योगदान दिया, इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे, ओके? सो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर हम लोग जो पैसेज पढ़ेंगे उसके पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इनके थोड़ा सा मैंने नोट आउट किया है, आप इसको देख सकते हो यहाँ पर, ओके? तो यहाँ पर इनकी कुछ पॉइंट दिया गया है, मैंने इसको ये कर दिया है, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसके बाद पैसेज में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसलिए मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है, तो आप इसको लिख सकते हो, ओके? सो आप देख सकते हो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है? तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है रुक्मिणी देवी के बारे में, बट इम्पॉर्टेंट है, ओके? तो आप देख सकते हो यहाँ पर, रुक्मिणी देवी वॉज नॉमिनेटेड एज अ मेम्बर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट काउंसिल ऑफ स्टेट द राज्यसभा इन द अप्रैल 52 एंड री नॉमिनेट इन 1956, ओके? शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी नॉमिनेट इन राज्यसभा, ओके? सो देखो, ये जो लेडी है, यानी कि रुक्मिणी देवी जी जो है वो फर्स्ट, यानी कि इंडिया की फर्स्ट लेडी हैं जिन्हें नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा में, ठीक है? और वो भी आपको पता है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है? बट इन्होंने, इन्हें कला से इतना ज़्यादा प्यार था कि इन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। इन्हें दो बार नॉमिनेट किया गया था बट इन्होंने दोनों बार ही रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज इसका रीज़न ये था कि ये कला, यानी कि अपने डांस ही, इनको आप जान सकते हो कि भरतनाट्यम के लिए इन्हें बहुत लोग जानते हैं, इन्होंने भरतनाट्यम के लिए बहुत योगदान दिया है, और ये अपने आर्ट से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि इन्होंने इतने ऊंचे पद, यानी कि प्रेसिडेंट के पद को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और अपनी पूरी लाइफ जो है इन्होंने डांस और अपने आर्ट को दिया, पूरी तरह से ये समर्पित कर दिया इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी। तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी ग्रेट है। कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिन्हें एक तरह का अपने देश या फिर अपनी ज़िंदगी जो है पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं अपनी कला को, तो उन्हीं में से एक हमारी रुक्मिणी देवी हैं, ठीक है? तो इनकी बायोग्राफी आप बोल सकते हो, इनकी कल्चर, ठीक है? तो इनके बारे में ही हम लोग आज बात करेंगे। सो गाइज, ये सम बेसिक इन्फॉर्मेशन था रुक्मिणी देवी के बारे में, यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, आप देख सकते हो कि इनका जन्म कब हुआ था और ये किस परिवार में जन्म हुआ था और कौन से स्टेट में, यहाँ पर सारी मैं डिटेल लिख दी हूँ, और इन्हें कौन कौन से अवार्ड से इनको मतलब सम्मानित किया गया था, ठीक है? इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये तो जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग पूरा डिटेल में जो पैसेज है उस पर हम लोग पढ़ेंगे, ओके गाइस? सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये जस्ट इनकी लाइफ के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके? सो आप इसको देख सकते हो, आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, बिकॉज आप जब क्वेश्चन लिखोगे तो इस तरह की क्वेश्चंस आएंगे इनकी लाइफ। देखो, एक चीज़ और है इसमें कि आप इसको पढ़ोगे तो आपको एक तो कल्चर के बारे में, इंडिया की संस्कृति हो गई, इंटरटेनमेंट भी आप बोल सकते हो, उसके बारे में आपको नॉलेज होगी, और नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि इनकी, मानी कि रुक्मिणी देवी, इनकी भी बायोग्राफी आपको थोड़ी बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी इनके बारे में, ठीक है? तो दो चीज़ें हमें यहाँ पर सीखने को मिलेगी, ओके? अब हम अपने पैसेज पे आते हैं। सो नाउ गाइज, अब हम अपने पैसेज पे आते हैं, यानी कि हमारा जो बुक का पैसेज है उस पर हम लोग आते हैं और इनकी लाइफ के बारे में एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट हम लोग, आप देख सकते हो ये जो पैराग्राफ है इसका हेडिंग है रुक्मिणी देवी अरुणादल
अ लाइफ डेडिकेट टू आर्ट। ठीक है, तो आर्ट यानी कि कल्चर, एंटरटेनमेंट, इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं। तो इनकी पूरी लाइफ जो थी वो डेडिकेट थी आर्ट पे। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम लोग इस पैसेज में बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, तो देखो इनकी आप बायोग्राफी भी पढ़ोगे तो आपको पूरा अच्छे से इनके बारे में एक अच्छा सा बेसिक सा आइडिया हो जाएगा। बट इसके थ्रू भी आप इनके बारे में बहुत सारी जानकारी को कलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो गाइज हम लोग एक एक पैसेज को पढ़ेंगे और फिर हम लोग उसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ओके, सो देखो फर्स्ट हमारा जो दिया गया है पैराग्राफ में, अ लिटिल ओवर 100 ईयर एगो ऑन फरवरी 29, 1994 एग्जैक्टली एट नून अ बेबी गर्ल वॉज बॉर्न टू नीलकांता शास्त्री एंड इनके पिता का नाम देख सकते हो नीलकांत शास्त्री। वहाँ पर मैंने वैसे तो नोट कर दिया था, आप उसको भी कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट करके यानी कि इनकी लाइफ से रिलेटेड जितने लोग थे उनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी। ठीक है, और इनकी माँ जो थी वो शिशमल थी। ठीक है, तो आप इनके पिता और इनकी माँ का नाम भी आप अच्छे से नोट कर सकते हो। ओके, सो दे नेम्ड हर रुक्मिणी देवी, शी वुड वन डे बी नो द वर्ल्ड ओवर अस रुक्मिणी देवी अरुणाडल, अ रिस्पेक्टेड अथॉरिटी ऑन डांस म्यूजिक एंड कल्चर। ओके, सो मैंने एक छोटी सी एक लड़की यानी कि जिसे मतलब 100 ईयर पहले फरवरी में आप देख सकते हो 29, 1994 को एग्जैक्टली दोपहर के समय एक छोटी सी प्यारी सी जो लड़की थी जिसका नाम आप बोल सकते हो रुक्मिणी देवी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था, ये ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके जो मतलब फैमिली थी वो काफ़ी रिस्पेक्टेड थी। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और किसी को भी ये आइडिया नहीं था कि बड़ी होकर ये लड़की एक बहुत ही रिस्पेक्टेड अथॉरिटी जो कि डांस म्यूज़िक और कला के क्षेत्र में अपना नाम करेगी और हर कोई इसे एक बहुत ही रिस्पेक्टेड डांसर के रूप में जानेगा। ठीक है, तो ये किसी को भी आइडिया नहीं था रुक्मिणी देवी के बारे में। ठीक है, और स्पेशली ये होता है ना सभी के संग, किसी को नहीं पता कि किसी की लाइफ क्या है क्या नहीं है, बिकॉज़ हम लोग सभी आते हैं तो किसी को कुछ भी नहीं पता होता है कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा, हम क्या बन जाएंगे, किसी को नहीं पता। ठीक है, तो उसी तरह रुक्मिणी देवी का भी लाइफ कुछ ऐसे ही था। ओके, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं जो कि हमारा ये है। सो तो दो सी लिव्ड इन अ हाउस नेक्स्ट टू अ भरतनाट्यम डांस, शी वॉज नॉट ड्रॉन टू डांस एज अ चाइल्ड और नॉट टू राम। ठीक है, तो ये नाम जो है ना आप इसको भी नोट कर सकते हो, ये कंडक्ट करते थे भरतनाट्यम यानी कि भरतनाट्यम का जो डांस वगैरह होता था उसे ये कंडक्ट करते थे नत्थू वनकर। ठीक है, लिव्ड बिहाइंड हर हाउस एंड शी ग्रे ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एंड द बीट ऑफ द थकू कशी। ठीक है, तो ये एक तरह का डांस होता है आप बोल सकते हो, जैसे कि जो लोग डांस कराते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है, मैं इसको आपको समझा दे रही हूँ। तो ये एक तरफ का ताली बजाने वाला डांस होता है जिसके धुन पे जो कलाकार होते हैं वो डांस करते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से नोट कर सकते हो। बट इट डिड नॉट मीन एनी थिंग टू हेयर लेटर शी वॉट, यानी कि आई एम समटाइम्स सरप्राइज दैट माई डेस्टिनी लेट मी टू बी हर डांसर। आई मीन देखो वैसे तो रुक्मिणी देवी को बचपन में डांस का उतना ये नहीं था, बट वो जहाँ पर रहती थी ना उसके बगल में ही मतलब एक भरतनाट्यम जो ये कंडक्ट करते थे वो रहते थे। ठीक है, तो इनकी जो लाइफ की शुरुआत हुई थी ना तो ये मतलब डांस हो गया म्यूजिक से ही, मतलब सुनकर ही ये बड़ी हुई। ठीक है, डांस के बीट को वगैरह सुनकर, और इन्हें ज़रा ये लिखती हैं अपनी बायोग्राफी में कि इनको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था, एक्चुअली ये सरप्राइज़ होती हैं कि मेरी जो डेस्टिनी है यानी कि मेरा जो भाग है वो मुझे एक दिन एक डांसर बना देगा। इनको कोई भी आइडिया नहीं था, बट ये फ्यूचर एक बहुत ही फेमस डांसर बनती हैं भरतनाट्यम के क्षेत्र में। ठीक है, अब गाइज हमारा जो तीसरा जो पॉइंट दिया गया है उसको हम लोग समझते हैं कि हर फादर वॉज एन इंजीनियर विद द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इट वॉज अ ट्रांसफरेबल जॉब एंड द फैमिली मूव फ्रिक्वेंटली। ओके, इन 1906 हर फादर वॉज इंट्रोड्यूस टू द थियोसॉफिकल सोसाइटी, दो रुक्मिणी देवी सिस्टर वेयर मैरिड इवन बिफोर दे एंटर देयर टीन, ही एंड अ ग्रुप ऑफ हिज फ्रेंड टुक एन ऑर्थ अंडर डॉक्टर अनी वेसंत। ओके, सो देखो गाइज मैं ये जो पैसेज है यानी कि इनके जो पिता थे ना
रुक्मणी देवी के जो पिता थे वो एक इंजीनियर थे और साथ में एक बहुत ही मतलब कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में भी ये काम करते थे और ये काफ़ी रिस्पेक्टेड पर्सन थे उस टाइम के। और इट वाज़ द मन के इनका जो जॉब था ना, यानी कि रुक्मणी देवी के जो पिताजी थे उनका ये जो काम था ना वो ट्रांसफ़र, यानी कि एक तरह एक जगह पे टिकने वाला नहीं था, यहाँ से वहाँ उसे ट्रांसफ़र किया जाता था, ठीक है। इसलिए इनकी जो फैमिली थी ना वो मूव होती रहती थी। और जब ये 96 में हर फादर वॉज द मतलब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, तब इन्हें थोड़ा सा नॉलेज हुआ था कि ये होता क्या। वैसे तो ये बहुत छोटी थी उस टाइम, और इनकी जो बहन थी ना तो इनका मतलब कि अभी देखो टीनेजर, यानी पहले के जो लोग थे ना तो वो बहुत जल्दी लड़कियों की या लड़कों की भी शादी करा देते थे, यानी कि टीनेजर में वो घुसे नहीं कि उसके पहले, यानी कि 9-8 कोई कोई तो 6-7 में ही कर देता था बच्चियों की शादी। तो ये एक तरफ से उस टाइम भी चालू था, ये मतलब रुक्मणी देवी के समय भी ये एक तरह से लागू था उस समय समाज में। तो इनकी जो सिस्टर थी ना वो भी अभी अपना टीनेज में नहीं घुसी थी, यानी कि अभी भी वो बहुत छोटी थी, तभी उन्हें मतलब कि शादी के लिए मतलब ये करने उनकी फैमिली जो थी वो ये करने लगा। बट ये जो थी ना ये मिलती हैं उस टाइम जैसे कि डॉक्टर अनिल बसंत, ठीक है। तो ये जो थे ना ये हेडेड करते थे सोसाइटी में, मतलब इस तरह की चीज़ों को वो नहीं मानते थे, जो चाइल्ड मैरिज होता था ना उसे वो पूरी तरह से मतलब कि उसके अगेंस्ट थे, ठीक है। तो उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है आप देख सकते हो कि ये जो डॉक्टर बसंत थे ये हेल्प करते हैं इनकी जो रुक्मणी देवी की जो इल्डर सिस्टर थी उनकी हेल्प करते हैं ये, और मतलब इस तरह से मतलब वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हैं। और फिर वो एक तरह से मतलब ये जो डॉक्टर थे मतलब डॉक्टर बसंत, तो ये लंदन चले जाते हैं अपनी जो मेडिकल डिग्री थी उसको लेकर, मतलब अपने कैरियर को लेकर वो वहाँ पर अपना शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो गाइज मैं पूरा पैसेज को नहीं पढ़ रही हूँ, मैं आपको इसकी हिंदी अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, बिकॉज आपको अगर हम लोग पूरा पैसेज को पढ़ के करते हैं तो ऑब्वियसली ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाती है, ठीक है। तो देखो इनके जो पिता थे ना उनका काम तो मतलब कि एक जगह रहने वाला टाइप का नहीं था, वो मूव्ड करते रहते थे, उनकी जो मतलब ट्रांसफ़र अलग अलग जगह पे होता था, इसलिए वहाँ से वो मतलब चले आए, ठीक है। और फिर ये लोग जो थे ना वो आकर आपका चेन्नई में जो कि एक प्लेस है चेंगलपेट, ठीक है। तो ये प्लेस में ये लोग आके मद्रास में जो है, ठीक है, तो यहाँ पर ये आकर मतलब एक तरह से अपने लाइफ को मतलब काटने लगते हैं लोग, ठीक है। और यहीं पर रुक्मणी देवी जी का जो मतलब स्कूल जो है वो ईयरली का स्टार्ट हो जाता है, आप देख सकते हो 6 पैराग्राफ में कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मतलब अपनी जो स्कूल की जो थी वो रेगुलर स्कूल जाती थी और पूरा कंटिन्यू करती थी। बट वो अपना फ्री टाइम जो था जैसे कि वो डांस में और एक तरह से मतलब वो और ज़्यादा कनेक्ट हो जाती हैं डांस के थ्रू और नेचर एनिमल, यानी कि एक चीज़ है ना रुक्मणी देवी जो थी वो नेचर को बहुत प्यार करती थी, स्पेशली एनिमल्स, यानी कि एनिमल उनके पास आप देखोगे तो हर तरह के एनिमल्स होते थे, वो बहुत लव करती थी एनिमल से, नेचर से और स्पेशली डांस से, ठीक है। तो ये चीज़ें उनमें अब धीरे धीरे करके बढ़ने लगी थी, पहले तो उनको इस सब में पता ही नहीं था, बट बाद में जाके जब वो मतलब इस चीज़ों को मतलब मेन तो एक था कि उनके बगल में ही जैसे कि डांस वगैरह का बचपन से ही माहौल था, बट वो उस टाइम उतना अट्रैक्ट नहीं हुई, बट बाद में धीरे धीरे वो ये चीज़ें जो थी वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगी अपने ओर, और वो पूरी तरह से उसमें धीरे धीरे खोने लगी, ठीक है। और फिर बाद में जाकर वो जब 14 साल की अभी जस्ट अपना टीने में वो घुसती हैं तो उस टाइम वो मिलती हैं डॉक्टर जो कि हम लोगों ने अभी देखा उनके हस्बैंड होते हैं, बाद में इनसे शादी करती है जॉन अरुंडेल, ठीक है। तो ये इनके हस्बैंड होते हैं जो कि एक तरह से बहुत ही ये काफ़ी वेल एडुकेटेड होते हैं और एक तरह से ये अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, बट ये इनकी कास्ट के नहीं होते हैं, ठीक है। बट ये बहुत इनको सपोर्ट करते हैं और ये जो हमारी जो रुक्मणी देवी हैं तो इनसे बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं इनके बिहेवियर को और इनका जो मतलब एक तरह से बहुत ही इनोसेंट जो इनका बिहेवियर था उसके और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इनसे मिलते हैं और बाद में जाके इन दोनों मतलब कि शादी कर लेते हैं, बट उस टाइम भी आप देखोगे तो एक तरह से
मतलब इनकी जो लाइफ होती है ना, तो उस टाइम में आप देख सकते हो अभी भी तो इतना लोग ये करते हैं, मतलब कि ये तो अलग कास्ट की थी, तो इनके मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यू होता है बिकॉज़ लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि रुक्मिणी देवी जी जो थी वो ब्राह्मण परिवार की थी, और ये जो इनके हस्बैंड थे यानी कि ये मतलब क्रिश्चियन परिवार से बिलोंग करते थे, तो इसलिए बहुत इशू होता है। बट फिर भी इनकी जो फैमिली होती है वो सपोर्ट करती है, ठीक है। तो एक तरह से मतलब देखोगे तो इनकी जो जीवन थी ना वो थोड़ी सी काफ़ी स्ट्रगल्स बोल सकते हो, स्पेशली इन्होंने आर्ट के लिए बहुत स्ट्रगल किया, इस तरह से इनकी जो जिंदगी थी। और ये जब प्रपोज़ल लेकर जाते हैं ना, मतलब कि अपनी माँ से, ये जब अपनी मॉम से बोलती हैं मतलब शादी के लिए, तो उस टाइम इनकी माँ जो है सपोर्ट करती हैं, और उस टाइम उनके पिताजी जो थे वो उसके पहले ही वो डेट कर गए होते हैं, तो इस तरह से इनकी जीवन थी आप देख सकते हो। ओके, सो इस तरह से इनकी जो शादी होती है ना वो मतलब कि पुलिस के प्रोटेक्ट से होती है, कहने का मतलब कि इनकी जो शादी को सोसाइटी जो है एक्सेप्ट नहीं करती है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। और फिर ये दोनों मतलब कि मुंबई में जाकर शादी करते हैं, और बट ये दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, करते थे, और एक तरह से मतलब कि मतलब ये अपनी वाइफ को यानी कि रुक्मिणी देवी को हमेशा इंकरेज करते थे कि आप करो डांस, मतलब इनकी कला को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। और रुक्मिणी देवी जी को फर्स्ट जो एडवाइस मतलब एक लेडी देती हैं जो कि एक डांसर होती हैं, फेमस बैलेट डांसर होती हैं, तो इनको ये बोलती हैं कि आप मतलब डांस करो, ठीक है, आप इसको कंटिन्यू करो बिकॉज आप में वो है कि आप इसको बहुत बुलंदी पर ला सकते हो, ठीक है। तो ये जो रहती हैं वो हमारा अन्ना पौलवल, ठीक है, तो ये इनको फर्स्ट एडवाइस देती हैं डांस के लिए। और इनकी जो गुरु होती है ना रुक्मिणी देवी की, जो इनको डांस सिखाती हैं ये भरतनाट्यम, तो वो रहती हैं, आप देख सकते हो नाम यहाँ पर, मीनाक्षी सुंदरम पिलियर, ठीक है, तो ये इनकी गुरु आप बोल सकते हो, ये इनको डांस सिखाती हैं, ठीक है। और ये जब डांस शुरू करती हैं ना तो ये पूरा मतलब कि एक साथ ही मतलब ये मॉर्निंग में उठ जाती हैं, और बस 2 या 3 घंटा का ब्रेक, बाकी पूरा ये डांस में ही मतलब अपनी पूरी पूरा डे स्पेंड करती हैं। बट फिर भी इनके जो गुरु होते थे ना वो उन्हें लगता था कि ये इनफ नहीं है, तो ये इनको और इंकरेज करते थे कि आप और टाइम दो इसमें। और इनको भी अब लगता है रुक्मिणी देवी को कि मुझे मतलब अपनी कल्चर को यानी कि अपनी संस्कृति को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, और ये इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, बहुत लोगों तक इसे फैलाती हैं, और ये मतलब पूरी लाइफ ही अपना इसमें बिता देती हैं, अपना पूरा हार्डवर्क देती हैं। और ये मतलब एक तरह से भरतनाट्यम जो कहीं एक तरह से छुप गया था उस टाइम भी, तो ये लोगों तक पहुँचाती हैं। और इनकी जो इनका जो डांस होता था ना भरतनाट्यम, उसे देखकर लोग को लगता था कि हाँ ये हमारी संस्कृति है, यानी कि ये भारत की संस्कृति है, और इसे सजो के रखना चाहिए, इसे दबाना नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये पूरी लाइफ जो है अपना एक तरह से पूरा डांस में, पूरा आर्ट में बिता देती हैं। और हम लोगों ने अभी पहले बात किया कि इन्हें फर्स्ट मतलब कि प्रेसिडेंट के लिए भी इन्हें ऑफ़र किया जाता है, बट ये उसे मना कर देती हैं, रिजेक्ट कर देती हैं, और मतलब कि अगर एक्सेप्ट कर लेती तो ये फर्स्ट वुमेन बन जाती इंडिया की, जो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर बन जाती, सॉरी मतलब ये प्रेसिडेंट बन जाती, ठीक है। बट ये ना ये इसे एक्सेप्ट नहीं करती बिकॉज इनका उसमें मन ही नहीं लगता ना, बिकॉज ये पूरी तरह से डांस में ही ये खो जाती हैं। तो आई थिंक आदमी को जो अच्छा लगे, मतलब जिसमें आप परफेक्टली आपको लगे कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, वो काम जब कोई करता है तो वो परफेक्टली होता है ना। और अगर हम मतलब कि बिना मन के, कहने का मतलब कि आपको उसमें कोई भी रुचि नहीं है और आप उसको ज़बरदस्ती करोगे तो वो चीज़ अच्छी नहीं होगी। इसलिए ये पूरी अपनी लाइफ जो थी वो एक तरह से पूरा सोसाइटी यानी कि जो डांस की जो कल्चर की जो सोसाइटी है उसमें पूरा बिता देती हैं, इसको लोगों तक पहुँचाने में, ठीक है। और ये मतलब एनिमल से भी बहुत प्यार करती थी, नेचर से, और इन्होंने बहुत कुछ किया है कला के क्षेत्र में, आप इस तरह से बोल सकते हो। और इसी के चलते इनके कोई बच्चे भी नहीं थे, इन्होंने पूरी लाइफ ही अपनी जो है कला के रूप में कला को पूरा तरह से समर्पित कर दिया, ठीक है। और इस तरह से आप इसके नोट्स को लिख सकते हो, फिर ये 82 ईयर तक जिंदा रहती हैं, और फिर फरवरी 29, 1986 में ईयरली में इनका मतलब लास्ट यानी कि ये सांस लेती हैं, और उस टाइम ये मर जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है गाइस वो पूरी तरह से कला में समर्पित कर दी, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत ही एक तरह से ग्रेट वुमेन थी आर्ट के लिए। तो गाइस इनके लिए तो एक लाइक बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और कुछ इशू हो या फिर कुछ आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें
कमेंट कर सकते हो। उसके पहले मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगी, आपको करना है। ऐसे स्टार्टिंग होने से पहले ही था, मैंने सोचा आपको ये लास्ट में दूंगी, आप इसको करोगे तो एक तरह से आपको कल्चर के बारे में और ज़्यादा नॉलेज होगी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड टू प्रिजर्व आवर आर्ट एंड कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, डिस्कस योर आइडिया विथ योर फ्रेंड। ओके, आई मीन ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको लिखना है कि हमें आधुनिक दुनिया में अपनी कला और कल्चर यानी कि जो संस्कृति है उसकी रक्षा करने के लिए आवश्यकता क्यों है, है ना। बिकॉज अभी के टाइम में लोग अपनी संस्कृति को छुपाते हैं, मतलब उसको दूसरी कल्चर को वो ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो ये क्यों है और इसको हमें क्यों सजोना चाहिए, उस पर आपको लिखना है और अपने आइडिया को अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करके इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम इंस्टीट्यूशंस इन आवर कंट्री दैट आर डिवोट टू द डेवलपमेंट ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट, एग्जाम्पल ललित कला अकेडमी न्यू दिल्ली फॉर फाइन आर्ट। ओके, सो ये सेकेंड क्वेश्चन में आपको लिखना है कि हमारे देश में कुछ ऐसी संस्थाओं के नाम बताना है जो प्रदर्शन करती है कला को, ठीक है, समर्पित करती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ इंस्टीट्यूशन के नाम लिखने पड़े, जैसे कि ललित कला हो गया, इस तरह के और भी जो इंस्टीट्यूशंस है आपको उसके बारे में लिखना है, ठीक है, और उनके बारे में उनकी क्या मतलब इम्पोर्टेंस है और वो किस तरह से मतलब इस कला को एक तरह से मतलब किस तरह से अच्छे से सिखाने का या फिर क्या क्या फैसिलिटी वगैरह और क्या क्या उसमें चेंजेस हुआ है सबको आपको लिखना है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है इस चैप्टर के। वैसे तो आपने जो पैसेज पढ़ा हम लोगों ने उससे भी क्वेश्चंस आप करोगे तो वो रुक्मिणी देवी से रिलेटेड होगा, बट ये हमारा कल्चर से रिलेटेड है जो कि डांस से है, ठीक है। तो उस पर आपको लिखना है, ठीक है। सो गाइज, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ये हमारा जो यूनिट है। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय गाइज।